तो आज हम बात करेंगे सीआरओ के बारे में। सीआरओ जिसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और ये हमारे पास एक मॉडल है साइंटिफिक 30 मेगाहर्ट्ज़ ऑसिलोस्कोप SM410। इसके बेसिक फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि इसके जितने भी आप कंट्रोल पैनल पे बटन देख रहे हैं तो इनको कैसे यूज़ करते हैं और इनको कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिकली सीआरओ को मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। अभी ऑलरेडी ये स्विच ऑन है। तो इसमें पावर बटन है, ऑन ऑफ बटन है। पीछे से इसकी पावर कोड है जो हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किए, और इसको अगर आप पावर ऑन करेंगे तो एक दो सेकंड बाद इस पर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, और हो सकता है एक साथ आपको दो नज़र आए, तो क्योंकि इसमें दो चैनल पर ये काम करेगा तो दो लाइन स्ट्रेट लाइन नज़र आएंगी। ठीक है, एक एक करके हम सभी स्विचेस के बारे में जो इसके फ्रंट पैनल पर आप देख रहे हैं वो बता देंगे, और इसमें और बेसिक चीज़ें इससे पहले कि आप सीआरओ को यूज़ करें क्या ज़रूरी है, कैसे इसको सेट करना है, कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आप इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास ये सीआरओ है तो इसको मैं बेसिक चीज़ें बता दूँ इसमें कि इसमें दो चैनल हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ पर CH1 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में Y लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा जो है CH2 ब्रैकेट में X लिखा हुआ है। तो आप यहाँ बेसिकली ये दो चैनल हैं, आप एक चैनल का इनपुट यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पावर कोड कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिग्नल कोड यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी सिग्नल कोड चैनल वन पे दे सकते हैं। तो वाई लिखा है तो आपका यहाँ जो वेरिएशन होगा वो वाई के अलोंग होगा, और यहाँ पर आप ये चैनल वन पे जो इनपुट जाएगा वो एक्स के अलोंग होगा। तो सबसे पहले आप जानिए इसकी स्क्रीन के बारे में। तो स्क्रीन आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो बॉक्सेस हैं, और सेंटर पे आप देखेंगे तो इसमें एक जैसे ग्राफ पे एक्सिस बनाते हैं आप, उस तरह से इसमें एक सेंटर है, और इसका एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो सेंटर में जो लाइन आप देखेंगे इसमें बहुत फाइन ग्रिड भी बनी हुई है, वो फाइन ग्रिड जो है वो एक स्मॉल बॉक्स में, इसमें 5 उसके पार्ट्स हैं, यानी कि एक डिवीज़न जो होगा आपका वो 0.2 के बराबर होगा, यानी कि आप 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो फिलहाल हम इसे सेंटीमीटर कह रहे हैं क्योंकि लेंथ इसकी सेंटीमीटर है, लेकिन आप इसको वोल्ट से कंपेयर करेंगे कि जब आप कोई मेज़रमेंट करेंगे तो वोल्ट पर डिवीज़न आप कहेंगे, तो पर डिवीज़न मतलब ये 1 डिवीज़न 1 बॉक्स। तो यहाँ फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम पहले दो इन बटन से, ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला बटन यहाँ पर आप देखेंगे इस पर इंटेंसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का रोल ये है कि आप इसको जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप इसकी लाइट को, जो आपका सिग्नल है जो इस पर नज़र आ रहा है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इस पर आता है, जैसे साइन वेव को साइन वेव, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कई बार उसकी इंटेंसिटी पर फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ आपको इंटेंसिटी घटाने या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे नंबर पर आपके पास ये जो उसके एडजेसेंट एक बटन दे रखा है, इस पर फोकस लिखा हुआ है। तो फोकस का काम ये है कि ये आपकी जो लाइन है ये जनरली उतनी फोकस्ड होती नहीं है, तो कभी ब्लड भी हो सकती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे भी ब्लड हो सकती है। तो आप इसको एक शार्प लाइन में कंट्रोल कर सकते हैं, तो बीच में कहीं आपको एक फाइन लाइन मिल जाएगी, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन है आपको पता है, और ये जो एक्स मैग, ये मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये ऊपर जब ये आउट है बटन तो यानी कि नॉर्मल मैग्नीफिकेशन है, जब आप इसको इन कर देंगे तो ये 10 टाइम मैग्नीफाई हो जाएगा सिग्नल, उसको हम किसी सिग्नल लेने के बाद आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ दो चैनल पे आप इनपुट दे सकते हैं, चैनल वन पे भी चैनल टू पे भी, अकॉर्डिंगली उनके बटन है। तो चैनल वन का जो वोल्ट पर डिवीज़न है यहाँ से कंट्रोल होगा, ये चैनल वन का कंट्रोल होगा वोल्ट पर डिवीज़न, यहाँ लिखा भी है यूनिट वोल्ट पर डिवीज़न, तो 1 डिवीज़न मीन्स 1 बॉक्स, उसको आप 1 बॉक्स को 1 डिवीज़न कहेंगे। और ये चैनल टू का वोल्ट पर डिवीज़न आप यहाँ से चेंज करेंगे। उसके अलावा जो चैनल वन की, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बटन ड्यूअल वाला, अगर आप दोनों कर देंगे ड्यूअल, तो ये बेसिकली अब चैनल वन और चैनल टू का आप आउटपुट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई सिग्नल नहीं है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, और आप इनको फिर इंडिपेंडेंटली भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये जो मैं वेरी कर रहा हूँ, ये वाई पोजिशन पर ये मैं चैनल टू को वेरी कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस वाले स्विच से वाई पोजीशन वेरी करूँगा तो आप इसको वाई एक्सिस पर अप एंड डाउन कर सकते हैं इस पोजीशन से। उसके अलावा इसमें एक्स एक्सिस पे आप दोनों को एक साथ भी वेरी कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप इसको वेरी करना है इस लाइन को,
तो यहाँ ऊपर एक बटन दिया हुआ है एक्स पोजिशन, तो ये दोनों एक साथ लेफ्ट या राइट में आप कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट है लाइन का, ऐसे कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए कभी फेज डिफरेंस के लिए दो वेव को एक साथ एनालाइज करना हो तो हमें उसको कभी किसी जगह अलाइन करना पड़ सकता है किसी लाइन के साथ, और तो एक्स पोजिशन वाले से हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो कई बार कभी कभार होता है सिग्नल एक ऐसा लगता है कि दो हैं या एक ही है, तो आपको ये पोजिशन ऊपर नीचे करके देखना होगा कि दूसरा सिग्नल कहाँ है, वो आप उसको लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द स्क्रीन भी चला जाता है। और यहाँ ये इनके नॉब हैं, वोल्ट पर डिवीज़न आप यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो बटन आप देख रहे हैं तो एक इन्वर्ट का सिग्नल है, तो इन्वर्ट होगा कि जो एम्पलीट्यूड होगा, तो जहाँ एम्पलीट्यूड में हाई होगा वो लो हो जाएगा, और जहाँ लो होगा वो हाई हो जाएगा, अगर आप इन्वर्ट वाला बटन दबाते हैं। अभी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरे जो दो बटन हैं वो ग्राउंड के लिए हैं, तो ग्राउंड अगर आपने यहाँ कोई इनपुट दिया हुआ है इस चैनल पर, तो ग्राउंड वाला फंक्शन जो होगा वो ये करेगा कि अगर यहाँ से साइन वेव आपने दी है तो अगर आप जैसे ही ग्राउंड बटन दबाएंगे तो वो यहाँ से सिग्नल को कट कर देगा, एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, यानी कि आपका सिग्नल यहाँ से कट हो गया है, तो ग्राउंड के लिए है। बाकी एसी डीसी का जो सिंबल है आप देख रहे हैं कि इन जनरल ये बाहर एसी में रहता है और अंदर प्रेस करेंगे तो ये डीसी में रहेगा। तो जैसा आपका इसमें सिग्नल होगा वैसा आप इसको यहाँ रखेंगे, एसी को एसी होगा तो एसी पे रखेंगे, डीसी सिग्नल होगा तो डीसी पे रखेंगे। तो सेम बटन आपको दूसरे चैनल के लिए मिलेंगे। बीच में ये तीन बटन आपको दिख रहे हैं, ये तीन इसलिए कि आप किसी चैनल एक का स्पेसिफिक आउटपुट देखना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये मोनो मोड पर है, अंदर इसको प्रेस करेंगे तो ड्यूअल मोड पर होगा, तो मोनो मोड पे सिर्फ एक ही चैनल का आप आउटपुट दे सकते हैं। अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये किसी दूसरे, ये दूसरे चैनल का दिख रहा है, ये पहले चैनल का दिखेगा, दोनों देख रहे हैं तो आप दोनों पे प्रेस करेंगे और दोनों सिग्नल, दोनों चैनल का जो आपका कोई रिजल्ट है अगर उसको आपको ऐड करना है तो वो ये ऐड वाला बटन है, इसको जब इस पे सिग्नल होंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इसमें एक चीज़ हमने यहाँ स्किप की है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है कि एक कैलिब्रेशन के लिए आपको दो कनेक्टर दिए हुए हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि आपका ये सीआरओ सही काम कर भी रहा है कि नहीं, और सही यूनिट में आपको सही मेज़रमेंट दे रहा है या नहीं। उसके लिए आप क्या करें कि जो सीआरओ है उसको यूज़ करने से पहले आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो सीआरओ को सेट करने का मतलब ये है कि इसको कैलिब्रेट करना होगा, ये देखना होगा कि ये सही वोल्टेज डिस्प्ले कर भी रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वोल्टेज 5 वोल्ट का है, आपका सिग्नल 5 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको ये 3 वोल्ट ही दिखाए पीक टू पीक, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले चेक करना होगा कि आपको सही वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो इसका टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी यहाँ पर 2 सिग्नल दिए होते हैं जिससे आप अपने सीआरओ को चेक कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपने बटन को कैलिब्रेट कर सकते हैं कि किस जगह पर ये आपको सही यूनिट में सही रिजल्ट देगा। तो आपको बताते हैं कि इनका यूज़ क्या है और कैसे करते हैं। तो हम किसी एक चैनल को सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर इनपुट देंगे, वो इनपुट हम यहाँ से लेंगे, ये जो दो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये 0.2V लिखा हुआ है, यानी कि 0.2 वोल्ट पीक टू पीक है, और ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर बना है छोटा सा, तो यानी कि यहाँ से स्क्वायर वेव जनरेट होगी और वो आपको यहाँ डिस्प्ले में स्क्वायर वेव नज़र आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो 2 वोल्ट पीक टू पीक आपको मिलेगी, और यहाँ जो मिलेगी अगर आप यहाँ से लेंगे तो वो 0.2 वोल्ट पीक टू पीक मिलेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह की केबल लेंगे, इसको आप BNC भी बोलते हैं, इन शॉर्ट BNC बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा चैनल 1 पे, और इसका जो दूसरा एंड है उसमें एक तो ये ब्लैक वायर होगी, ठीक है, और जो दूसरी वायर होगी वो, ये जनरली ऐसा होता है एक ब्लैक और एक इसमें ये जो है दूसरा रेड होता है, तो रेड मींस पॉजिटिव। तो फिलहाल आपको मैं यहाँ पर ये ब्रेक है तो हमने इसको वायर लगा दिया है, तो दूसरे एंड पे जो मैं इसको लूँगा यहाँ से आउटपुट लूँगा, तो मैं अभी यहाँ इसको 0.2 में लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे छोटा कनेक्टर चाहिए था। तो ये 0.2 आपको यहाँ पर स्क्वायर वेव नज़र आ रही है, ठीक है। इसको अगर आपको बढ़ा के देखना है तो आप इसको चैनल 1 पे, क्योंकि हमने दिया है तो हम चैनल 1 के इस नॉब से, वोल्ट पर डिवीज़न वाले नॉब से आप इसको बढ़ा करके इसकी हाइट देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर वेव है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया है 0.2 वोल्ट से,
तो 0.2 वोल्ट का मतलब ये होगा कि अगर आप इसको इसकी हाइट देखेंगे तो कहीं रेफरेंस पे यहाँ रख लीजिए, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 और 2, 2 डिवीज़न, दिस इज़ रफली 2 डिवीज़न। और ये हमारा जो नॉब है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा 0.1 पर है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज़ 0.1 राइट नाउ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को, इस नंबर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वोल्ट पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि डिवीज़न डिवीज़न कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट में आंसर आएगा। तो ये 2 डिवीज़न मल्टीप्लाई बाई 0.1 वोल्ट पर डिवीज़न, तो 0.1 इंटू 2 विल गिव यू 0.2। तो जो यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है वो 0.2 आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे कर दें, पीछे कर दें, तो आप इसको वाई एक्सिस पे लाकर देख सकते हैं, तो जस्ट 1 डिवीज़न कवर हो रहा है आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसका टाइम पर डिवीज़न का स्केल आप चेंज करके देख सकते हैं, और भी अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे बाकी यूज़। तो ये भी स्क्वायर वेव है और ये केवल 1 डिवीज़न तक जा रहा है आपके ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे, और इसका जो मल्टीप्लायर यहाँ पर इस वक्त है वो 0.2 पर है। तो 1 × 0.2 यानी कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 0.2 वोल्ट पीक टू पीक, पीक का मतलब टॉप पीक एंड डाउन पीक, ये जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो आपका 0.2 है। तो यानी कि ये CRO फिलहाल सही है। दूसरा भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसके नीचे एक और जो दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से निकालूंगा और नीचे वाले में अगर लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 वोल्ट पीक टू पीक लिखा हुआ है, तो आपका जो यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए, जो वेव आना चाहिए, वो 2 वोल्ट का आना चाहिए बाय मल्टीप्लाइंग वोल्ट पर डिवीज़न। तो इसको हम देखते हैं, पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं, कहीं रेफरेंस पे लगा देते हैं, ठीक है। और जब भी कभी लगे कि स्क्रीन ब्लर्ड है तो आप फोकस वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं, इसको नॉब से इसको आप फाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी को भी लो एंड हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको एडजस्ट करेंगे हाइट को रेफरेंस पे रखें, तो दिस इज़ अगेन रफली 2 डिवीज़न, दिस इज़ 1 और 2, तो 2 डिवीज़न है। और इसका जो मल्टीप्लायर इस वक्त आप देख रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली एट 1, तो 1 × 2 इज़ 2 वोल्ट, तो रफली 2 वोल्ट है। थोड़ा बहुत माइनर इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल इसका मतलब ये कि आपके जो दो वैल्यूज़ दी हुई थी CRO में अपने आप से, तो इससे आपको सही आउटपुट मिल रहा है। तो यानी कि ये जो चैनल है आपका चैनल 1, ये ठीक से आपको डिस्प्ले दे रहा है, सही आपको काम कर रहा है। दूसरे के लिए चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले ड्यूअल वोल्ट चैनल चेंज करेंगे, आपके दूसरे चैनल पे कोई सिग्नल नहीं है इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन आ रही है, और पहले चैनल पे आपका ये स्क्वायर वेव है। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ ग्राउंड का बटन है, अगर मैं इसको प्रेस कर दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा था वो कट हो गया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा ग्राउंड करने पर, GD मतलब ग्राउंड। इसको वापस कर देते हैं और इसको हम यहाँ से निकाल करके दूसरे वाले में लगाते हैं, चैनल 2 को भी चेक करना है हमें कि यहाँ से अगर हमें कुछ मेज़रमेंट लेने होंगे कनेक्ट करने के बाद, तो क्या वो सही मेज़रमेंट देगा कि नहीं। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पर दूसरे चैनल पे। हाँ, ये दिस इज सेकंड चैनल, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लें, नीचे ले आते हैं। इसके लिए हम पहले हम इससे एडजस्ट कर रहे थे चैनल 1 के लिए, अभी वाई पोजीशन हम एडजस्ट करेंगे चैनल 2 के लिए दूसरे वाले नॉब से। तो इसको जब हम ऊपर नीचे करेंगे, इसको भी किसी रेफरेंस पे सेट कर लेते हैं, और तो यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें वेव जो है वो टिल्टेड है एक्चुअली। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन थी वो हल्की सी इस तरीके से है, पैरल ना होकर के इस तरीके इस एंगल पे। तो ऐसा अगर कभी हो आपके ऑसिलोस्कोप में या इसमें CRO में, तो बेसिकली फिर आपको इसमें एक बटन दिया होता है, इस वे ये जो लाइन आपके पास है अगर ये स्ट्रेटली स्ट्रेट फॉल नहीं कर रही है इस एक्सिस पे, तो इसको एडजस्ट करने के लिए फिर आपको कोई स्क्रू ड्राइवर लेना होगा बहुत छोटा, और उसके लिए इसमें एक स्क्रू टाइप का वो होगा बटन, फिलहाल मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है वो कहाँ हो सकता है, इसके अंदर हो या इसके पीछे होगा, तो उससे आप इसको इस डायरेक्शन में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो वेव आप देख रहे हैं वो इस तरह से एक्सिस के साथ 0 एंगल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये 1 पर है मल्टीप्लायर चैनल 2 का, और हाँ सॉरी, इसमें मैंने कुछ DC दबाया हुआ था, अभी फ़िलहाल इसको मैं AC पे कर दिया हूँ। तो इसको अगर आप एडजस्ट करेंगे तो है डिफरेंस है, तो दिस इज़ अराउंड 1.8 वोल्ट, क्योंकि मल्टीप्लायर इसका 1 पर है और ये 2 वोल्ट पीक टू पीक स्क्वायर वेव आना चाहिए, लेकिन ये 1 × 1.8, सो दिस इज़ एट 1.8 वोल्ट पीक टू पीक। तो
तो यानी कि ये वाला जो चैनल है इसमें 0.2 का आपका मार्जिन है, यानी कि एरर है, ये 0.2 आपको कम बताएगा। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना होगा कि अगर आप कोई मेज़रमेंट इस चैनल पे कर रहे हैं तो फिलहाल हमारे हिसाब से वो 0.2 रफली कम है, तो वो आपको एज ए एरर भी आप उसमें ऐड करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चैनल वाला वन हमारा रफली ठीक था। अच्छा, इसको अगर हम चैनल टू को दूसरे वाले से देखना चाहें 0.2 वाले पे, तो हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा छोटा है आपको देखने में दिक्कत होगी, तो इसको हम पहले तो टाइम स्केल इसका सही कर दें और इसको थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं। तो इसको भी 0 पे हम एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 1.8 एक्चुअली। सो दिस इज़ 1 डिवीज़न एंड 1.8 डिवीज़न। तो 1.8 और इसका मल्टीप्लायर जो है आपके पास ये 0.1 है। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 0.1 ये आपको देगा, दिस विल गिव यू 0.18। तो 0.18 मतलब, हालांकि ये 0.20 होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैलिब्रेशन के लिए जो यहाँ वोल्टेज आ रही है वो 0.2 है, यानी कि 0.20 वोल्ट है पीक टू पीक, लेकिन ये आपको 1.8 मिल रहा है, 0.128 18। तो 0.18 मतलब देर इज़ ए डिफरेंस ऑफ 0.02 वोल्ट पीक टू पीक। तो यानी कि इसमें एक डिवीज़न का डिफरेंस रहता है, तो जिस यूनिट में भी आप काम कर रहे हैं आपको एक डिवीज़न एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उससे छोटा आपको ये सिग्नल मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो ये सिग्नल हमने हटा दिया, आपको स्विच ऑफ करके हटाना चाहिए। तो फिलहाल हम किसी एक चैनल पे काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन जनरेटर है, ठीक है, और उस फंक्शन जनरेटर से हम एक सिग्नल देंगे। तो हम इसमें चैनल वन पे देते हैं क्योंकि हमारा चैनल वन जो है फिलहाल ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक वेव इसमें चलने लगी है, इसके एम्पलीट्यूड को और इसके टाइम पर डिवीज़न स्केल को हम सेट कर लेते हैं। टाइम पर डिवीज़न स्केल आपका ऊपर है, इनके बारे में अभी हमने बताया नहीं था तो अब आपको बता देंगे। और अब इन बटन्स का कोई काम नहीं क्योंकि चैनल टू पे कुछ नहीं है, चैनल वन पे एक सिग्नल है, एक साइन वेव है। फिलहाल हम इसको एडजस्ट करके पहले दिखा देंगे साइन वेव है कि नहीं है। सो दिस इज़ ए साइन वेव और आप इसको स्टिल कर सकते हैं इन बटन की हेल्प से। तो यहाँ जो एक बटन देख रहे हैं आप होल्ड ऑफ, इससे आप इस मूविंग वेव को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि स्टिल कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रा भी लेफ्ट राइट करेंगे तो अकॉर्डिंगली इसका मोशन लेफ्ट राइट होगा। तो बीच में कहीं आपको इसको बहुत केयरफुली रोक देना होगा। तो ये फंक्शन है इस होल्ड ऑफ बटन का। उसके अलावा ये जो टाइम पर डिवीज़न है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टाइम पर डिवीज़न से एक इस पूरे स्केल पे कितने एम्पलीट्यूड आपको एक साथ नज़र आएंगे। हालांकि उससे कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अगर आप इसको इस तरह से ज़्यादा भी करते हैं तो फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल की उतनी ही रहेगी। ये केवल आपके लिए है कि आप उसको कितने एम्पलीट्यूड आपको कितने नंबर ऑफ उसके एम्पलीट्यूड आपको एक बार में देखने हैं, कितने नंबर ऑफ लैम्डा उसके एक बार में आपको देखना है। तो इस वक्त नंबर ऑफ वेव आपके, यानी कि वन साइकिल आपके काउंट कर सकते हैं आप जो नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड है। इसको एडजस्ट करेंगे वाई पोजीशन से, सॉरी इस वाले पे वाई पोजीशन से, तो नीचे किसी रेफरेंस वैल्यू पे लगा देंगे अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो दिस इज़ रफली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 2.8। सो दिस इज़ रफली 2.8। तो 2.8 को अगर आप इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 इंटू 0.5 यानी कि 1.4। तो ये 1.4 वोल्ट का एक सिग्नल है जो एम्पलीट्यूड है। और अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको फिर इसके टाइम पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका जो ये एक्स एक्सिस है ये आपको देगा टाइम पर डिवीज़न। तो ये टाइम पर डिवीज़न से आप इसके एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक वेव आप इसकी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके टाइम पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करके इसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ से जितना भी एडजस्ट करेंगे ये आपके लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा कुछ चीज़ें और आप समझ लें, जैसे कि और दूसरे जो यहाँ बटन है, जो दूसरे इसमें, तो इनका क्या यूज़ है। तो पहले हम आपको एक्स एक्सिस से थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं इसको, वेव को ये देख सकते हैं आप, ये ट्रैवल कर रही है वेव। और तो अगर मैं इसमें प्लस माइनस वाला बटन दबा दूँ तो ये एकदम इन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ जाता है, एक्चुअली वो मूव कर रही है तो इसलिए लग रहा है अचानक से।
सॉरी इससे होगा, ये इन्वर्ट वाला जो बटन है, ठीक है, ये इन्वर्ट वाला बटन क्या करेगा, उसके जहाँ पहले एम्पलीट्यूड हाई था वहाँ लो कर देगा, और जहाँ लो था वहाँ हाई कर देगा। तो इन्वर्ट वाले बटन से सिर्फ इतना होता है। और उसके अलावा इसमें ये जो नीचे बटन आप देख रहे हैं ड्यूअल मोड वाले और ये ऐड वाले, तो ये आपके तब काम आते हैं जब आपके दोनों पे सिग्नल होगा, जब आपके दोनों इनपुट्स पे सिग्नल होगा, चैनल एक्स पे और वाई पे, तो उन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो आप उसको इस बटन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स वाई बटन आप यहाँ देख रहे हैं, इससे बेसिकली आप क्या करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ऐड तो सिर्फ इतना करेगा, अगर एक का एम्पलीट्यूड टू डिवीज़न का है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 3 डिवीज़न का है, तो वो ऐड करके 5 कर देगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो एक्स वाई है वो उसका एक रिजल्टेंट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपकी एक साइन वेव यहाँ पर है और यहाँ पर कोई दूसरी वेव है और उनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस है, तो हो सकता है उस फेज़ की बदौलत जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो एक एलिप्स भी आ सकता है, एक सर्कल भी आ सकता है। दो वेव अगर आप कंबाइन करेंगे, सिनुसोइडल वेव, हार्मोनिक वेव अगर आप कंबाइन करेंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन एक एलिप्स भी हो सकता है, एक सर्कल भी हो सकता है, या कोई और दूसरा भी शेप ले सकता है। तो वो फिर आप एक्स वाई बटन से करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन जैसे वर्टिकली दे रहा है, क्योंकि यहाँ चैनल टू पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैनल टू पे अगर कुछ होता सिग्नल तो उन दोनों का रिजल्ट आ जाता आपके पास। तो फिलहाल हम इसको वापस उसी मोड पे ले आते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस थे। इसमें मैंने आपको बताया कि टाइम पर डिवीज़न का क्या रोल है। ये टाइम पर डिवीज़न का बटन है, एक बार में कितने साइकिल आपको अपनी स्क्रीन पर रखने हैं, ठीक है। लेकिन इसको चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, केवल आपका मल्टीप्लायर जितना आगे जाएगा उतने नंबर ऑफ आपके चेंज हो जाएंगे साइकिल्स, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसे ये 1 पर है तो ये 1.4 है, अगर आगे कर देंगे तो ये फिर आगे ये यहाँ डबल हो जाएगा लेकिन यहाँ हाफ हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे तो ये फिर डबल हो गया लेकिन आगे फिर से हाफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो जितना इसका मल्टीप्लाई है अकॉर्डिंगली उतना आपको यहाँ पे हाइट मिलेगी। तो कभी भी अगर आप यहाँ टाइम पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, यहाँ रखकर भी टाइम पर डिवीज़न से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आएगा। तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे रख के इससे मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। अकॉर्डिंगली इसको भी आप अपने हिसाब से किसी जगह पे रख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें अगर हम फंक्शन जनरेटर से आउटपुट दे रहे हैं, तो अगर हम इसमें कोई दूसरी वेव दें, फिलहाल ये साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है, ठीक है। हमने फंक्शन जनरेटर से पीछे से चेंज किया तो एक स्क्वायर वेव हो गई। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रीडेबल नहीं है, तो उसको आप टाइम पर डिवीज़न से इसके हाइट, ये जो आप देख रहे हैं, ये बढ़ा सकते हैं और हाइट को भी छोटा, एम्पलीट्यूड को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार बताया कि चाहे आप ये वेरी करें तो एम्पलीट्यूड हमेशा उतना ही रहता है, क्योंकि ये अभी 2 पर है तो ये 1 पर है, तो 2 × 1 = 1, तो यानी कि इसका जो रिज़ल्ट है 2 × 1 = 2, तो ये 2 वोल्ट पीक टू पीक होगा। अगर आप इसे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया है, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो तब भी ये 2 ही रहेगा, 1 × 2 = 2। आगे 0.5 पे कर देंगे तो वो 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 × 0.5 = 2। तो आप ये चेंज करने से कभी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा और ये चेंज करने से कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए, आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर देंगे तो आपको ही बेसिकली एक रेड, एक डॉट नज़र आएगा जो लेफ्ट टू राइट जाता हुआ आपको मिलेगा, उसको भी आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं कहीं सेंटर पे, होल्ड बटन से, ठीक है। फिलहाल ये एक मिनिमम स्पीड से चल रहा है। टाइम पर डिवीज़न बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो आपको एक स्टील वेव नज़र आएगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्क्वायर वेव है। और हम चाहें तो इस पर आप, ये ट्रायंगुलर वेव हमने दे दिया, ठीक है, इसको भी सही एडजस्ट करने के लिए आप इन सब बटन्स का यूज़ करें, होल्ड वाले बटन का यूज़ करें, तो आपको एक परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव मिलेगी, ठीक है। इसके एनालिसिस के लिए आप इसको एक्स वाई पोजीशन से, ये थोड़ा केबल का इशू है, केबल डीले, तो एक्स वाई पोजीशन से आप इनको एडजस्ट करें, और इसके एनालिसिस के लिए फिर आप इसका एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी आप मेज़र कर सकते हैं। ये आपकी सॉ टूथ या रैंप भी कह सकते हैं, एक तरह के रैंप वोल्टेज है, या आप इसको सॉ टूथ टाइप का भी वोल्टेज कह सकते हैं, एक सिग्नल है, और ये थोड़ा एडजस्टमेंट करने होते हैं वोल्टेज से, तो ये रैंप सिग्नल है। और ये एक पल्स है जिसमें कि एक टाइमिंग है उसकी, नीचे ऊपर 0 है, ये अगेन आपका कोई TTL आउटपुट है, ट्रांजिस्टर लॉजिक का,
ये आपकी फिर साइन वेव आ गई है, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। सो दिस इज साइन वेव, ये थोड़ा नॉइज आ रहा है, कुछ केबल शायद हिल गया है। तो ये सिग्नल थोड़ा सा लूज है, कुछ प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। सो दिस इज़ रफली 100 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ पे हम एक वेव देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको स्टडी कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर अकॉर्डिंगली इसमें नंबर ऑफ साइकल्स आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी होगी या कोई और टेक्निकल पॉइंट होगा आपके कंट्रोल पैनल में, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।